नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी कहानियाँ। आज है 13 जुलाई और इस तारीख का संबंध है मुंबई में हुए बम धमाकों से। तारीख 13 जुलाई 2011, समय शाम के करीब 7:45 बजे, जब एक के बाद एक हुए 3 बम धमाकों से मुंबई दहल उठी। उसकी बात करेंगे, पहले एक मीडिया रिपोर्ट की बात करते हैं। BBC की एक रिपोर्ट में लिखा था, रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई बम धमाकों की तारीख वही है जब मोहम्मद अजमल आमिर कसाब का जन्मदिन होता है। इसी आशय के समाचार कई और मीडिया आउटलेट्स पर भी छपे। कसाब का नाम सुनकर सभी लोगों के जहन में एक दूसरी तारीख दौड़ गई, 2008 में हुए आतंकी हमले, यानी 26/11 की भयानक यादें अभी तक लोगों के दिमाग में ताज़ा थी। तो क्या अब की बार हुए धमाके सचमुच कसाब के जन्मदिन पर कराए गए थे? दरअसल नहीं, हुआ कुछ यूं था कि विकिपीडिया में कसाब की बर्थ डेट को बदल दिया गया था ताकि इन बम धमाकों को बदले की कहानी के तौर पर प्रोपेगेंडाइज किया जा सके। इसलिए BBC की इस रिपोर्ट को बाद में खुद BBC और साथ में कुछ दूसरे मीडिया सोर्सेस ने भी खारिज किया। कई और समाचार संस्थानों ने भी ऐसा ही किया। राइटर और पोएट जेरी पिंटो अपनी किताब एम एंड द बिग होम में मुंबई के लिए लिखते हैं, इस शहर में हर सुनसान कोना अपने अंदर एक भीड़ छुपाए है। दुनिया जैसी चलनी चाहिए, उस क्रम में अगर एक मिनट के लिए भी कुछ डिसरप्ट हो जाए तो ये भीड़ आपको दिख जाती है, और जैसे ये भीड़ उजागर होती है उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाती है। ऐसी ही भीड़ भाड़ वाली जगह है मुंबई का जवेरी बाजार। इस इलाके में सराफा व्यापारियों और गहनों की दुकानें हैं। ये बाजार अपनी मारवाड़ी कचौड़ी और खूबसूरत कारीगरी वाले गहनों के लिए फेमस है। बाजार के नज़दीक ही मुंबई पुलिस का हेडक्वार्टर भी है। सबसे पहला धमाका 7:45 बजे यहीं हुआ। ये एक IED डिवाइस था, यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जो एक मोटरसाइकिल में रखा हुआ था। एक चश्मदीद ने इस घटना का बयान कुछ इस तरह किया, बहुत जोर की आवाज़ हुई, पहले हमें लगा कि आग लग गई है, लेकिन आग के हिसाब से धुआं बहुत ज़्यादा था। फिर हमें समझ में आया कि यह बम का धमाका था। करीब 20 लोग रोड पर गिरे पड़े थे, 2 या 3 लोगों की शायद टांगें भी चली गई थी। अब तक लोगों को अंदेशा हो चुका था कि ये ज़रूर कोई आतंकी हमला है। इस धमाके की खबर आई ही थी कि ठीक एक मिनट बाद दूसरा धमाका हुआ, जवेरी बाजार से कुछ मील दूर अपेरा हाउस के पास। अब की बार एक टिफिन बम रखा हुआ था। धमाके के बारे में बात करते हुए एक दूसरे चश्मदीद ने बताया, धमाका एकदम बाजार के बीचों बीच हुआ। ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरों का बाजार है। इस सड़क पर बहुत भीड़ रहती है, और इतनी कि औरतें अमूमन इस सड़क से गुजरने से बचती हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर कोई कहे कि धमाकों से करोड़ों रुपए के हीरे सड़क पर बिखर गए होंगे, बारिश में बह गए होंगे। यहाँ सुरक्षा के भी कोई इंतज़ाम नहीं है। बाजार की मेन सड़क पर कोई भी घुस सकता है। मुझे लगता है कि आतंकी संगठनों के आकाओं के इस हीरे के बाजार में कोई निहित स्वार्थ थे, हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं। एक और चश्मदीद ने आंखों देखी बताते हुए कहा, हमने एक जोर का धमाका सुना। धमाका इतना तेज था कि आसपास की बिल्डिंग हिलने लगी और खिड़कियों के कांच टूट गए। ऐसा लगा जैसे कान के पर्दे फट गए हों। बाहर जाकर देखा तो चारों ओर काला धुआं था। सड़क पर लाशें बिखरी हुई थी, वहां बहुत खून था। कई लोगों की बाहें और टांगों के चिथड़े उड़ गए थे। अब तक समाचार आ चुका था कि ये एक सीरियल बम ब्लास्ट है। इसी कड़ी में तीसरा ब्लास्ट 7:05 पर हुआ, दादर बस स्टैंड के पास एक चौराहे पर। इस जगह को कबूतर खाना के नाम से जाना जाता है। एक के बाद एक हुए 3 बम धमाकों ने पूरी मुंबई को हिलाकर रख दिया। देश विदेश से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की तरफ से बयान आया, इस संकट की घड़ी में अमेरिका के लोग भारत के साथ हैं। इस घृणित जुर्म के दोषियों को सजा दिलवाने में हम भारत सरकार को मदद पेश करते हैं। मुंबई दौरे के दौरान मैंने अपनी आंखों से भारत के लोगों की जीवटता देखी है। मुझे कोई शंका नहीं कि भारत के लोग इन आतंकी हमलों के बाद दोबारा उठकर खड़े हो जाएंगे। इस हमले से लोग बहुत गुस्से में थे। अभी तक 2008 के हमलों के आरोपी कसाब को सजा नहीं हुई थी, और दोबारा इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया था। इन धमाकों के बाद सरकार एकदम से हरकत में आई। होम मिनिस्ट्री की तरफ से NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 3 टीमों को जांच के लिए भेजा गया। इस तहकीकात का पहला सुराग तो धमाकों की तारीख ही थी, 13। इस संख्या में कुछ खास था, पिछले कुछ आतंकी हमलों की तारीखों में एक पैटर्न दिखाई देता था। ये इंडियन मुजाहिदीन नाम के आतंकी ग्रुप का सिग्नेचर पैटर्न था। ये महीने की 13 या 26 तारीख को ही बम ब्लास्ट अंजाम देते थे। 2008 में दिल्ली बम धमाकों की तारीख भी 13 ही थी, 13 सितंबर।
इसके अलावा इस घटना की दिल्ली बम धमाकों से और काफ़ी समानताएं थीं। दोनों बम धमाके शाम के वक्त हुए थे, दोनों मौकों पर किसी भीड़ भाड़ वाली जगह को चुना गया था और दोनों ही घटनाओं में IED का उपयोग किया गया था और दोनों बार बम को किसी गाड़ी या कूड़े में छिपा कर रखा गया था। 9 अगस्त 2011 को इस मामले में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की। CCTV फुटेज में घटना के दिन एक लंबे बालों वाला संदिग्ध देखा गया था। वो लाल रंग की होंडा एक्टिवा लेकर जवेरी बाजार में घुसा। इसके बाद उसने स्कूटी को वहां पार्क कर दिया जहां धमाके हुए थे। यह होंडा एक्टिवा चोरी की गई थी। 23 जनवरी 2012 को मुंबई पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने का दावा किया। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया, नकी अहमद वसी शेख और नदीम अख्तर अशफाक शेख। आगे के इन्वेस्टिगेशन से कुछ और खुलासे हुए। कुछ समय से वक्कास और तबरेज नाम के दो पाकिस्तानी बॉम्बर्स बाइकुला या मराठी में गए तो भाईखड़ा में रह रहे थे। इनके पास से पुलिस को 18 सिम कार्ड और 6 हैंडसेट्स बरामद हुए। इनको सिम कार्ड दिए थे नकी अहमद ने। ATS के अनुसार घटना का मास्टरमाइंड यासीन भटकल था, जिसने लॉजिस्टिक्स वगैरह का इंतजाम किया था। यासीन भटकल डोमेस्टिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन मुजाहिदीन का फाउंडिंग मेंबर था। डोमेस्टिक यानी हमारे देश में जो होम ग्रोन टेररिस्ट हैं हमारे देश के। अगस्त 2013 में यासीन भटकल को भारत नेपाल बॉर्डर से पकड़ लिया गया। पूछताछ में यासीन भटकल ने स्वीकार किया कि 2011 बम धमाकों की पूरी योजना उसी ने बनाई थी। इन बम धमाकों के चलते आगे चलकर भारत की आंतरिक सुरक्षा एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनी। आतंक विरोधी कानूनों में और सख्ती लाई गई। सैटेलाइट फोन के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पाबंदियां और बढ़ाई गईं और शहरों में CCTV नेटवर्क को भी बढ़ाया गया। मुंबई तो खैर किसके लिए रुकी है, अगले कुछ रोज में फिर से चल पड़ी किसी मेहनतकश औरत की तरह जो अपने बच्चों को साथ लेकर चलती है। तूफान आ जाए या कड़ी धूप हो, कुछ देर इंतजार करके फिर से चलना शुरू कर देती है। एक ऐसा सफर जो दिन रात चलता है। अब आप कहेंगे आतंकियों ने लोगों को मार डाला, ये तो उनकी जीत थी, तो हम कहेंगे नहीं। डनकर्क फिल्म का एक सीन है, याद कीजिए। युद्ध से किसी तरह बचकर लौटे सैनिकों से एक अंधा आदमी कहता है, वेल्डन लैड्स, वेल्डन यानी कि बहुत अच्छे लड़कों, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। इस पर एक सैनिक उनको जवाब देता है, बुजुर्ग को, वो कहता है, ऑल वी डिड इज सर्वाइव, यानी हम सिर्फ केवल अपनी जान बचा कर आए हैं। तब वो अंधा आदमी जवाब देता है, दैट्स एनफ, यानी इतना ही काफ़ी है। आतंकवादियों का मंसूबा केवल लोगों को मारना नहीं होता, बल्कि लोगों के दिल में आतंक भर देना होता है, डर भर देना होता है। हमारे सुरक्षा दल दिन रात काम कर रहे हैं ताकि आतंकी अपने इरादों में सफल ना हो। आतंक को हराने का पहला कदम है हमारा हौसला। ऐसी हर आतंकी घटना में जब हम अपना मनोबल बनाए रखते हैं तो हम एक देश के रूप में सर्वाइव करते हैं, इस देश के विचार को सर्वाइव करते हैं। आज के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नया एपिसोड लेकर। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।